लुक वॉर्म वाटर है इसके अंदर, तीन ईस्ट ऐड करेंगे 3 चम्मच, दस मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। 2 अंडे लिए, मिक्स करेंगे अच्छी तरह, अब हम आपको नान की डो बता रहे हैं, नान के लिए आटा गूंदने की तरकीब बता रहे हैं आप। ये 2 कप मैदे के, आप अपनी मर्जी से हसबे ज़रूरत जितना आपको नीड है उस हिसाब से आप डाल लें, मैंने ज़्यादा बनाने हैं तो मैंने 3 बॉल ले लिए हैं मैदे के। और इसके अंदर आपने ऑयल शामिल करना है, घी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 कप घी का ऐड कर लिया, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, अंडे को ऐड करेंगे, इस पे अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, इसको भी ऐड करेंगे। लूक वार्म वाटर है यानी गर्म पानी है, ऐसे मुनासिब फिंगर आपकी टच करे पानी को, मिक्स करते हैं, आटे के अंदर ऐड करते हैं पानी और राम राम से इसको गूंदते हैं, अच्छी सी इसकी डो बनाएंगे सॉफ्ट सी। आपने योगर्ट मिक्स करना है तो योगर्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने डो को तैयार कर लेना है, हल्के हल्के आराम आराम से इसको गूंदेंगे। आज हम आपको कंप्लीट रेसिपी बताएंगे ताकि आप अच्छी तरह देख लें कीमे वाले नान कैसे बनते हैं। नान बनाने बहुत आसान है, सिंपल नान भी ऐसे ही आपने आटा गूंदना है और ऐसे ही सिंपल नान बना लेने हैं, और अगर कीमे वाले बनाने हैं तो वो मैंने आपको कीमे का सारा बता दिया है तरकीब सारी, तो वो कीमे वाले बना लें। भून गया आटा, अब इसको रख देंगे ढक के, डोसी बना के इसकी ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसे ऊपर रख देंगे। ऐसे पर प्लास्टिक लगा के ऐसे अच्छी तरह इसको करीबन बाहर ही रखेंगे गर्म जगह पे ताकि अच्छी तरह ये फूल जाए आटा, तकरीबन 1/2 आवर या 1 आवर। ये देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार आटा बन रहा है, देखिए ऐसे फूल जाए तब आपने पेड़े बनाने, तकरीबन 1 घंटा हमने इसको रखा है आटे को, अब ऐसे पेड़े बना के रखेंगे। ऐसे बना देंगे थोड़ी देर सॉफ्ट होंगे, साथ ही हमने ऑयल और दूध को मिक्स करके रख लिया है, नान के ऊपर लगाएंगे
हाँ ये तिल है, सीड्स बोल में निकाल लेते हैं सीड्स का, सारे दानों को लगाएंगे हम तवे के नीचे, 4 पे आग रखी हुई है मीडियम हाई पे। उसका डालना है और ऐसे बड़ा करना है, बिल्कुल सिंपल सादे नान बनाने सिखा रही हूँ मैं आपको। अब इन नानों को हलीम पाए, चिकन कढ़ाई वगैरह सबके साथ खा सकते हैं। बड़ा करना ऐसे, आपने फ्राई पैन पे डाल देना ऐसे, आपने दूध और घी आपने ब्रश के साथ हल्का हल्का लगाना है, इससे सॉफ्ट और नरम नान बनते हैं। हल्के से आपने तिल लगा देने, बिल्कुल हल्के से सिंपल नान है ऐसे, आपने नान कटर से आपने उंगलियों शेप देनी है आपको, कितना खूबसूरत सा लजीज सा नान रेडी हो रहा है। चेक करते हैं अभी, ये दिखे नान अभी पक रहे हैं आस्ता आस्ता, नान रेडी हो गया, कितना खूबसूरत सा अच्छा सा लजीज डिशेज सा नान रेडी है। अब ये दूसरा पक रहा है, आप भी बनाइएगा, मेरे पिक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ऐसे आपने नान बनाने हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। देखिए कितने मज़ेदार से नान रेडी हो गए, बिल्कुल सिंपल सादे। आप भी बनाइएगा ऐसे और लाइक करें, मेरे पिक्चर को शेयर करें। देखिए कितने मज़ेदार खूबसूरत से नान रेडी हो गए हैं। आप इसको चिकन के कढ़ाई के साथ, पाए के साथ, ना हरी सब्जी वगैरह के साथ बना के खाएं। लाजवाब से नान रेडी। ओके अल्लाह हाफिज़।